न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत हो। वर्ल्ड कप सामने है और इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट की मैच की बात न हो, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ है धुरंधर खिलाड़ी पाकिस्तान के इंजमामुल हक साहब। एक चीज की मलाल आपको हमेशा रह गई कि वर्ल्ड कप में इंडिया से पाकिस्तान हमेशा हारता रहा, वो मलाल आपने दिल पे लगा के रखा क्या? ऐसा क्यों होता था कि पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप में हार जाता था? क्या लगता है आपको क्या किस कौन सी टीम जीतेगी? आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मेहरबानी। आप यहाँ आए कैसा लग रहा है बताएं? नहीं, बहुत जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जिसे कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल मैचेस होगा, क्या लगता है आपको क्या किस कौन सी टीम जीतेगी? मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया की टीम है ना थोड़ी सी बेहतर है, वो इसलिए कह रहा हूँ। बैटिंग इनका प्लस पॉइंट है, बॉलिंग हमेशा अगर इंडिया में भी खेलते हैं तो बैटिंग वाले 300 सवा 300 बोर्ड पे लगा के देते हैं तो डिफेंड करते हैं, तो इंडिया की बॉलिंग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बैटिंग है और बैटिंग में ये है कि जी ये दो से ढाई महीने से उन पिचेस पे खेल रहे हैं, तो ये है कि जी वनडेयर्स इतना अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन फिर भी हर एक इंसान की ना एडजस्टमेंट हो जाती है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया टीम आती है, कोई टीम आती है ना, तो उसको स्पिन बॉलिंग खेलने में इंडिया में आने में ना टाइम लगता है, महीना लग जाता है, कोई 15 दिन में कोई जी। तो मेरे ख्याल में इंडियन टीम के पास है तो थोड़ा सा एज है इंडियन टीम को, ये मेरी अपनी प्रोफेशनल राय है। ये थोड़ा ही एज है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये 2011 वाली तो टीम नहीं है। नहीं, उसमें काफ़ी सारे ना बड़े प्लेयर खेल रहे थे, और जिस तरह सचिन खेल रहा था, सचिन के खेलने से ये होता है कि अगर कोई इतना सीनियर प्लेयर हो ना, वो मोटिवेशन लेवल बन जाता है कि यार कि जी इसके लिए खेल रहे हैं, कि जी वो टीम को लेके भी चलता है, तो वाली बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान के मैच में ना ये टेक्निक बड़ा छोटा ये बड़ा कम चलता है, इधर इमोशन चलते हैं, इधर जज्बे से खेल रहता है, हर एक आदमी है ना मोर देन 100% देने की कोशिश कर रहा होता है, तो यहाँ डिफरेंट है ना खेल, जो सा बिल्कुल है ना डिफरेंट हो जाता है कि जी ये नहीं है कि जो जूनियर लड़का भी है ना वो भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हो रहा होगा। मुझे याद है कि मैं बेंगलोर में खेल रहा था, तो एक गली में बॉल गई थी, मैंने डाइव मार के रोकी, तो मैं जिस टाइम रात को देखा था, उसने ये है जी इंडिया पाकिस्तान का मैच, की इंजमाम भी डाइव मारता है। अच्छा आप कभी फील्डिंग वगैरह नहीं कर पाते थे क्या? इजी सिर्फ बैटिंग उठाया बैट और दनादन दनादन मारना शुरू कर दिया, बस मेरा काम हो गया? नहीं, इस तरह नहीं है। एक तो रेफरीज और अंपायर जाने नहीं देते बाहर। दूसरी चीज़ ये कि वनडेज में कम लोगों को पता है कि आज भी जो सबसे ज़्यादा कैचेस का रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तरफ से, वो मेरा है। आपको खुद भी इस पर क्वेश्चन मार्क लगता है? नहीं, मैं फील्डिंग से मुझे कोई ऐसे वो नहीं था, तो लेकिन ये कि जी मेरे साथ खेलता हुआ ना आप रन आउट हो जाते हैं, हो सकता है मेरी भी गलती हो, लेकिन 10 रन आउट होंगे, हो सकता है कि जी 2 मरतबा किसी और की भी गलती हो, तो लेकिन वो सारा ब्लेम मेरे पे ही आता था। एग्जैक्टली, आपके ऊपर यही ब्लेम हमेशा लगता रहा, शायद सबसे ज्यादा रन आउट आप ही का होगा। काफी सारे लोगों ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे ड्रेसिंग रूम में ये वाली बात नहीं थी, मुझे कहते थे खुद तो हो जियो, हमें ना करवाइए। जो इंडिया की टीम है उसको, उसमें आपके लिए नंबर वन प्लेयर कौन है? हर कोई विराट की बात करता है, जैसे लगता है धोनी पीछे चले गए हैं। नहीं, धोनी तो इंडियन टीम की जी बैकबोन है, वो सिर्फ इसलिए कि हम 92 में जिस टाइम वर्ल्ड कप खेले थे ना, तो इमरान भाई बॉलिंग नहीं कर सकते थे, बैटिंग 7वें नंबर पे करते थे, और बहुत छोटा सा रोल था इमरान भाई का अगर ग्राउंड की उसमें देखें, लेकिन कैप्टनसी का जो उनका रोल था ना, जिस टाइम टीम हम नीचे गए हारे हुए थे, कि एक्सपीरियंस कप्तान थे, तो उन्होंने सिर्फ अपनी कप्तानी से ऊपर अपने एक्सपीरियंस से टीम को लेके आया के खड़ा किया था, उन्होंने टीम को गिरने नहीं दिया था। जो एक्सपीरियंस कैप्टन होता है ना उसका ये फ़ायदा है, तो धोनी है ना जो कि जी अब सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जी टीम इंडिया की हार रही है तो नीचे गिरी हुई है, तो ये उनसे एक्सपीरियंस कप्तान है ना, इसका फ़ायदा उस टाइम होता है,
कि ये सारे हालात से गुजरा होता है, तो इस टाइम इसने टीम को किस तरह खड़ा करना है। अब ये जो सारे दूसरे विराट कोहली हैं, दूसरे ये शर्मा है और रोहित शर्मा है, दूसरे सारे जितने भी प्लेयर हैं ना, ये धोनी के इर्द गिर्द हैं। धोनी मेन आदमी है। और दूसरी चीज़ ये कि जो वनडे की जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ऐसी है कि मैंने किसी आदमी को देखा नहीं कि अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में किसी के 8 से 9 हज़ार स्कोर हों, उसकी एवरेज 50 की हो और 6वें 7वें नंबर पे बैटिंग करता हो। तो जो धोनी है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि धोनी है ना सबसे आगे का प्लेयर है, ये तो लीडर है इसका। जो ये विराट कोहली की बात कर रहे हैं, ये टीम के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि जी ये है, लेकिन कप्तान से ज़्यादा कोई भी नहीं। और स्पेशली ऐसा कप्तान जो T20 का भी चैम्पियन रहा हो, ODIs का भी चैम्पियन रहा हो, और उसने इतनी कप्तानी कर रखी हो, एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत एक्सपीरियंस है। पूरे पूरे हिंदुस्तान की, खास करके सबकी नज़र ना विराट कोहली पे लगी हुई है। हर कोई आज की डेट में किसी से भी बात करो तो वो विराट कोहली की बात करता है। उसमें देखो वो अग्रेशन है, उसमें देखो बैटिंग टेक्निक है, उसमें देखो वो जज्बा है, वो बहुत अच्छा खेलता है। आपकी नज़र में क्या लगता है विराट कोहली? नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, और इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है कि इस वनडे में पिछले 2 से 3 साल में मेरे ख्याल में सारों से अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो और ज़ाहरी बात है कि और असल में जो प्लेयर्स का है ना कि आप पूरे 4 साल परफॉर्मेंस देते हो तो ये आपका रिजल्ट का टाइम होता है कि जिस बड़ा इवेंट होता है सारे देख रहे होते हैं, तो इस जगह पर सारे फोकस कर रहे होते हैं कि जी ये इवेंट है। जिस तरह आप सारों से मैच खेलते रहो ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया जी, यहाँ परफॉर्मेंस देनी है। क्रिकेट में इस तरह के सारे साल परफॉर्मेंस देते रहो, ये वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देनी है, ये है इवेंट। तो सारे जो लोग फोकस है ना वो सिर्फ इसलिए कि जी वर्ल्ड कप है, और पिछले 3 से 4 साल में क्योंकि जी ये सबसे बेहतरीन प्लेयर बन के आया है, तो अब ये सारों से बड़ा इवेंट है, तो लोगों की तवक्कोआत भी उससे सारों से ज्यादा है। ये बताइए कि आप इंडिया को कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक जाएगा इस वर्ल्ड कप में इंडिया किस पोजीशन तक, नंबर 4 में आएगा, टॉप 4 में? जी बिल्कुल, चांस बहुत ज़्यादा है आने के। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉर्मेट जो ऐसा है ना कि जिस तरह पाकिस्तान जिस ग्रुप में, इंडिया और पाकिस्तान जिस ग्रुप में है, तो इधर 2 टीमें वीक हैं, 4 टीमों ने आना है। तो जहाँ तक अनलेस के जी 2007 की तरह इंडिया पाकिस्तान के साथ हो जाए कि जी ये उस राउंड से बाहर हो गया पाकिस्तान इस राउंड से, तो अल्लाह ना करेगा कि जी इस तरह हो दोनों टीमों के साथ, तो उसके बाद 3 दिन रह जाएंगे क्वार्टर फाइनल। इस फॉर्मेट की वजह से ना, पहले भी कई टीमें कि जी कीनिया सेमीफाइनल में चला गया, इस वक्त कि जी एक बैड डे आया, ठीक है ना, तो पता चला गया कि जी टीम आगे चली गई। तो अब ये जो उनसे चांस है ना, इस पे आके कह रहे ना कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया की, जिस तरह टीम है, जिस तरह प्लेयर है, क्योंकि जी रोहित शर्मा जिस तरह का प्लेयर है, वो इनिंग्स जिस तरह खेलता है, रोहित शर्मा को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसका नाम नहीं ले रहे, हालांकि जिस समय वो भी इनिंग्स खेलता है तो बहुत बड़ी इनिंग्स खेलता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी उसने एक 138 की है, 138, ठीक है ना, तो वो अगर खड़ा हो जाता है तो वो अकेला भी मैच जितवा सकता है। तो कोई भी प्लेयर 1 से 2 दिन इस तरह कर दे, रोहित कर दे और ये विराट कर दे, तो ये प्लेयर इस तरह के हैं। तो इसमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए, हम ये नहीं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये टीम आगे नहीं जा सकती, ये नहीं जा सकती। वो इनमें है, वो मादा जी, है, मादा है इनमें, इनमें वो मादा। एक चीज की मलाल आपको हमेशा रह गई कि वर्ल्ड कप में इंडिया से पाकिस्तान हमेशा हारता रहा, वो मलाल आपने दिल पे लगा के रखा क्या? देखिए, सारी चीजें सारों को नहीं मिलती। मेरे ख्याल में देखो कि ये कब होता है कि जी पाकिस्तान जीतता है, तो ये दिल में मेरे ज़रूर बात रहेगी कि अगर वर्ल्ड कप में भी जीत जाते तो एक अच्छी चीज़ थी। ऐसा क्यों होता था कि पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप में हार जाता था? क्या होता था, प्रेशर में आ जाती थी टीम, या ये कहना चाहिए कि इंडियन टीम स्पेशली वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेलती थी, तो किसी इसको जिस तरह मर्जी ले ले, लेकिन बास टाइम ऐसी चीज़ हो जाती है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जी हम इंडिया से क्यों हारने के प्रेशर की वजह से नहीं। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट ना इंडिया को देना चाहिए कि वो वर्ल्ड कप में बड़े इवेंट में ज्यादा बेहतर तरीके से खेलते। हारने के बाद आप लोग पाकिस्तान जाते थे तो आपका क्या क्या रिसेप्शन क्या होता था? जिस समय हम बेंगलोर में हारे थे ना 96 में, उसको क्योंकि क्वार्टर फाइनल था, क्वार्टर फाइनल के बाद हमने वापसी जाना था। तो जिस समय हम कराची में हमने लैंड किया, तो मैं मुल्तान में रहता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि जी मैंने मुल्तान जाना है,
तो सिक्योरिटी वालों ने कहा कि जी इस टाइम हम आपको इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, क्योंकि जी आप एयरपोर्ट पे अकेले जाएं और है ना, और आप है ना ट्रैवल करें, हम इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे आपको। तो मैंने कहा कि यार तुम मुझे अलाउ करो या ना करो, तो मैंने तो मुल्तान जाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं एयरपोर्ट पे गया तो मेरी एक दो लोगों से तल्ख कलामी भी हुई, क्योंकि जी थोड़े से ज़रा सख्त लहजे में उन्होंने मेरे से बात की। तो जिस समय मैं मुल्तान पहुँचा, तो मुल्तान मेरा अपना शहर है, लोग एक ही वहाँ से प्लेयर, हाँ। अब ये इस वर्ल्ड कप में स्वयं मकसूद है जो दूसरा हाँ। प्लेयर है, उसके अलावा कोई मुल्तान से आया ही नहीं प्लेयर, तो मैं अकेला प्लेयर, और जिस टाइम भी मैं एयरपोर्ट पे जाता था तो बिल्कुल मॉब्ड हो जाते होंगे। तो अब इस दफ़ा जिस टाइम गया तो सारे वहाँ जहाँ हमारी पार्किंग थी वो टैक्सी स्टैंड से आगे से गुजर के जाना पड़ता था, तो सारे वो टैक्सी वाले लोग और दूसरे जो लोग लेने आए हुए थे वो मुझे इस तरह देख रहे थे, कहा किसी ने नहीं लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा बहुत था। तो मैं अपनी गाड़ी में फ़ौरन बैठ के चला गया, मैंने कहा जी, तो रिएक्शन बड़ा सख्त होता है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इस चीज़ को ये इस तरह भी कहता हूँ कि जिस तरह आपको किसी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दे के खुशी होती ना, कि जिस तरह बड़ा मैच होता है, और प्लेयर्स की मैं आपको फीलिंग बता रहा हूँ, क्योंकि जी प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ और इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान के खिलाफ जिस टाइम परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो उनकी जो उनसे खुशी होती है ना, सेटिस्फेक्शन, वो भी डबल होती है। और जिस टाइम ये खुद नहीं देते, पब्लिक का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, सब अपनी जगह पे है, लेकिन प्लेयर अंदर से भी है ना बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि उसमें उनकी रेटिंग और बेहतर होती है। अच्छा, आप तो बड़े मस्त मलंग प्लेयर जिसे कह सकते हैं, इस तरीके की बैटिंग या इस तरीके का प्लेयर आपके बाद पाकिस्तान की टीम में कोई नहीं आया। अब है ना जो वाली जो क्रिकेट थी ना, कि जिसको लोग देख के एंजॉय करते थे, कि छक्का भी लगे, चौका भी लगे, साथ टेक्निक भी देखते थे कि किस तरह खेलता है, तो वाली चीज़ है ना अब ना नज़र आनी बंद हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि जी डिविलियर्स ने फास्टेस्ट 100 किया, तो उसमें ज़्यादातर जो उनसे शॉट्स थे वो ये थे कि वो बैट के पीछे की तरफ मारे गए थे। तो अब ये खेल है ना बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो अब इस तरह के प्लेयर है ना दिखने के, कि जी कोई कहे कि जी मैं दोबारा सचिन तेंदुलकर की तरह टेक्निक का प्लेयर देखूं, ड्रेविड की तरह का प्लेयर देखूं, अब ये वाले प्लेयर है ना वापसी नहीं आने। इस बदले हुए क्रिकेट में आप लोग को लगता है कि अगर आज आप होते और खेलते होते तो बिल्कुल मिसफिट होते? मिसफिट तो ना होते, लेकिन ये कि जी काफ़ी हार्ड वर्क था, क्योंकि आज की क्रिकेट भी खेलना जो ये आसान नहीं है, कि जो 20 ओवरों में 220 हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, कि पहली बॉल से जाके बॉलर्स पे अटैक करना, ये इतना आसान नहीं है खेलना, कि लगता ज़रूर है आसान, क्योंकि जी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम भी अगर हमारे वक्त पे शुरू होती तो शायद हम भी वाली कोशिश शुरू कर देते, कि इस तरह का खेलना शुरू कर देते। आप जिस वक्त में पाकिस्तान की क्रिकेट में थे और उसको हेड कर रहे थे, उसके कैप्टन थे, उसके बाद ऐसी पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं बन पाई? देखिए इसमें ना दो चीज़ें, एक तो हमारा फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है ना काफ़ी एक चेंज हुआ, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं पसंद करता, क्योंकि जी वो चेंज होना चाहिए जिससे सारे प्लेयर्स आए थे, और क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि जो 92 और 99 में ये हमारा बेस्ट ईयर्स थे, 10 ईयर्स है ना, ये डिकेड हमारा बेस्ट था जिसमें हम दो दफ़ा फाइनल में पहुँचे और इसमें बेहतरीन प्लेयर आए थे। वाला सिस्टम नहीं चेंज करना चाहिए था, बोर्ड ने एक तो वाला सिस्टम चेंज किया कि जिससे हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुँचा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब से ये 7 से 8 साल हो गए जब से ये इंसिडेंट हुआ है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि जी यंग बच्चों को या अपने दूसरों को इस तरफ लेके आना, कि जिससे हम आप खेलता हुआ देखते हैं ना अपने सामने, क्रिकेट हो रही है, खेल रहे हैं, तो उसका जो इम्पेक्ट पड़ता है ना वो ये नहीं हो सकता कि जी पाकिस्तान दुबई में खेल रहा है, कहीं और खेल रहा है, तो इसका बड़ा लॉस है कि जो हमारे मुल्क में ना खेल नहीं हो रहा। अगर आपका अपना स्ट्रक्चर मजबूत हो, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी हो, तो आप है ना प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस टाइम आपके कंपटीशन अच्छा नहीं होगा, फर्स्ट क्लास का सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में आप प्लेयर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। आप जैसे लोग जिनकी खोज इमरान खान कहते हैं कि वो गाड़ी में बैठते थे और ट्रैवल करते चले जाते थे, और कोई बच्चा दिखता था बढ़िया खेलता हुआ तो उसको बुलवाते थे और फिर उसके मैच को उसको टेस्ट करते थे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और फिर उसको चांस देते थे आने का। क्या सही है कि आपकी भी खोज इमरान खान ने ऐसे ही की थी? नहीं, गाड़ी में बैठ के तो नहीं की थी लेकिन ये कि मैंने फर्स्ट क्लास में स्कोर कर रखा था, उन्हें किसी ने बताया था कि जी एक लड़का है तो वो फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलता है, तो एक इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, इंग्लैंड ए की टीम आई हुई थी, तो उनका कैंप लगा हुआ था
पाकिस्तान ने खेला था, मेरा नाम नहीं था उसमें, उसका कैंप लगा हुआ था, तो इमरान भाई उसमें प्रैक्टिस करने आते थे, तो वहाँ इन्होंने मुझे बुलाया स्पेशली मुल्तान से कि जी मैंने सुना है वो लड़का, तो मैंने वहाँ पैड बांध के मैं खेला पहली दफ़ा इमरान भाई के सामने। कहते हैं कि उनके सामने आप दो तीन बार आउट हो रहे थे और आप इतने नर्वस थे कि आप खेल नहीं पा रहे थे। देखिए मैं जिस टाइम ग्राउंड में गया ना, तो ग्राउंड में मैं इंतज़ार कर रहा था, इमरान भाई कैंप लगा हुआ था, तो इमरान भाई आए ना, तो उन्होंने आते ही कोई बात नहीं की, मैं मिला भी नहीं हुआ था, तो अब मैं बिल्कुल जूनियर लड़का और इमरान भाई, तो वैसे भी इमरान भाई की एक पर्सनैलिटी का अपना भी वो है, तो उन्होंने आते कहा इंजमाम कौन है, तो मैंने कहा जी मैं हूँ, तो कह रहे कि पैड करो, हालांकि कोई और लड़का पैड कर रहा था, उसको पैड उतरा के मैंने पैड किए। अब मैं जैसे मंदिर खेलने गए तो मैं इतना नर्वस था कि इमरान भाई ने खुद भी बॉल ले लिया कि मैं भी बॉलिंग करूँगा, तो ये मुश्ताक और वकार जी शुरू से मेरे साथ खेलते हैं, हम एक ही शहर से खेलते थे, सारे साथ खेलते थे, जिससे मैं दो तीन दफ़ा आउट हुआ ना, तो ये मुझे आके ना बुरा भला कह रहे कि खेल तो सही, तुझे क्या हो गया, तो थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी मेरी नॉर्मल हुआ मैं, तो उसके बाद खेला तो इमरान भाई को पसंद आया कि जी मेरा खेलना। पाकिस्तान में जिस तरीके की दहशतगर्दी शुरू हुई या जिस तरीके का माहौल बना, उसका भी बहुत इम्पैक्ट क्रिकेट पे पड़ा, क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल है इस चीज़ का, और ज़ाहरी बात है कि जी जैसे मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क में ये वाली चीज़ होगी, तो इसका इम्पैक्ट क्रिकेट पे नहीं, सारी चीज़ों पे पड़ता है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच नहीं होना एक साथ, और ख़ास करके मुंबई में जो धमाके हुए और जो अटैक हुआ उसके बाद से, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान के क्रिकेट पर बहुत पड़ा, क्योंकि नए आईपीएल में प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे? सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है ना, ये पाकिस्तान हुआ इस चीज़ का जी, वो इसलिए कि एक तो हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही ऊपर से, और इंडिया पाकिस्तान की सीरीज फाइनेंशली सारी चीज़ों के अलावा जितना दोनों प्लेयर्स को सीखने का मिलता था ना, और स्पेशली इस एरा में, क्योंकि हमारे पास यंग प्लेयर थे बहुत, अगर हम जितना ज़्यादा खेलते ना, तो हमारे यंग प्लेयर्स को उतना प्रेशर में खेलना आता, ज़्यादा आसान हो जाता, कि अगर इंडिया के प्लेयर्स को अब भी देख लिया जाए ना, तो ये काफ़ी सारे ऐसे कंपटीशन खेले हुए हैं इतने प्रेशर वाले, हमारे पास बहुत कम प्लेयर रह गए, एक मेरे ख्याल में शाहिद रह गया और एक मिसबा रह गया या हफीज़ है, ये दो से तीन प्लेयर हैं जो इस तरह का कंपटीशन खेले, उसके अलावा दूसरे प्लेयर नहीं खेले हुए, तो हमें बहुत नुकसान हुआ, आईपीएल का बहुत नुकसान हुआ कि हमारे प्लेयर्स बहुत ग्रूम हो सकते थे। पैसे तो अपनी जगह पे है ही है, क्योंकि जी फाइनेंशियली तो फ़ायदा होना था, लेकिन प्लेयर सीखता बहुत है हमारे, जिनसे प्लेयर थे ना हमारे प्लेयर्स को फ़ायदा बहुत होना था, और जिसम क्रिकेट दोनों ये आपस में साथ खेलते हैं, तो अभी जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का एक मैच हो रहा, तो कितना जज्बा है, बुखार हुआ हुआ है सारों को, जी बच्चों को पार्क में चले जाओ, रोड्स में चले जाओ, स्ट्रीट्स में चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ खेल रहे हैं। अगर यही इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ हो, तो सोचोगे कि जी बच्चों का जो सा खेलने का लेवल है, तो क्या किस लेवल पे जाएगा खेलना हमारा। अच्छा, पाकिस्तान बोर्ड के साथ जो सीजन्ड प्लेयर्स रहे हैं, इंक्लूडिंग यू, आप लोगों का रिश्ता अच्छा क्यों नहीं बना? बिल्कुल सही है, इसकी रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन जो बोर्ड में हमारे लोग जिनसे हेड आते हैं, उनको भी प्रोफेशनल होना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए कि जिनसी प्लेयर है ना, इसकी एक साइकी है, ये हर आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि जी मैं कहीं से भी आदमी लेके आऊँ तो वो प्लेयर्स की साइकी को समझ रहा है, तो ये ज़रा मुश्किल चीज़ है, तो हमारा जो सा क्लैश है ना जो प्लेयर्स का और बोर्ड का, वो इसलिए अक्सर रहा है। अब मैं कहूँगा जी नहीं रहा, नहीं रहा है हमारा क्लैश, वो सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोग हमारे बोर्ड में ऐसे आए हैं जिनका ताल्लुक है ना क्रिकेट से बिल्कुल नहीं था, वो सडनली आ गए, उनको प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट का नहीं पता था कि जी वसीम अकरम किस तरह की, स्पोर्ट्समैन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इससे किस तरह हमें डील करना चाहिए। ये स्पोर्ट्समैन भी है ना, मैं नाजुक लोग होते हैं, बड़े एहसास लोग होते हैं, ठीक है ना, इनको भी डील करने का ना एक तरीका है, अगर उस पर नहीं करेंगे तो ना ये आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे, और ये आपको अपना बेहतरीन आउटपुट नहीं आप इनसे ले सकते, तो मेरे ख्याल में कि इस वजह से हमारा और बोर्ड का ना थोड़ा सा इख्तलाफ रहा है। शहरयार खान साहब आपके पीसीबी के चीफ थे, उनकी किताब का लॉन्च यहाँ हो रहा था, और उन्होंने उस किताब के लॉन्च में, मैं भी वहाँ पे प्रेजेंट थी, उन्होंने ये कहा था कि इंजमामुल हक ने यू नो जिसे कहते हैं रिलीजन को क्रिकेट में घुसा दिया,
जिसके कारण क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत नुकसान हुआ। ये तो वैसे तो अगर शहरी साहब किताब से पहले वो चेयरमैन थे, मैं कप्तान था, अगर वो उस टाइम मेरे से बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता। एक मैं जिसमें हम वर्ल्ड कप हार गए ना, तो किसी ने मेरे से कहा कि जी एक हमारे साथ टीम के साथ गए हुए थे, तो उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगा कि जी आपने जहाज़ में नमाज पढ़ ली थी। तो मैंने कहा कि जी हाँ जी जहाज़ में नमाज पढ़ ली थी। तो मैंने कहा कि मैंने कोई प्रैक्टिस छोड़ दी थी, कोई टीम मीटिंग छोड़ दी, मैंने कहा जहाज़ में वक्त हुआ तो मैंने नमाज पढ़ ली। अच्छा, नमाज पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरी नहीं समझ आ रहा कि जी 2 से 3 मिनट से किसी को क्या फ़र्क पड़ जाता है। मैंने मेरे ख्याल में 3.5 साल कप्तानी की है, 44 मंथ्स मेरे ख्याल में, 43-44 मंथ कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई, याला इल्ज़ाम ख़त्म हुआ। अब लोग ये कहते हैं दोबारा से कि जब से आप कप्तान हटे हो, जब से गए हो, टीम दोबारा से संभली नहीं है, टीम नहीं हो पाई। और जिस टाइम मैं था उस टाइम, जिस टाइम मुझे कैप्टनसी मिली थी उस टाइम भी यही सूरत हाल थी कि 2003 का वर्ल्ड कप हारे हुए थे, टीम में से 9 लड़कों को निकालना था इन्होंने, तो फिर कुछ को वापसी लेके आए थे, तो निकालना था। तो किसी ने ये नहीं नोट किया कि 2003 से लेके 2007 तक टीम में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। उस किताब में अगर आप पढ़ें तो ऐसा भी है कि अगर आपको टीम में रहना है तो आपको साथ में इंजमामुल हक साहब के साथ में नमाज पढ़नी है, आपको दाढ़ी बनानी बढ़ानी है, इस तरीके की बातें भी उस किताब में लिखी। जिस समय मैं खेलता था तो मेरी तो अपनी पूरी दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी तो ऐसे आदमी ने रख ली मेरे से भी बड़ी, जो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान का बेहतरीन बैट्समैन था, उसको मेरी जरूरत नहीं थी कि मेरी वजह से सिलेक्ट होता है। या तो जूनियर लड़के दाढ़ी रखते क्योंकि जी कप्तान खुश हो जाएगा तो हमारा नाम टीम में आएगा, तो किसी ने भी, किसी जूनियर ने भी दाढ़ी नहीं रखी। लेकिन ये बातें आपको पिंच तो बहुत की होंगी। बिल्कुल, ये देखिए असल में ना लोग मेरे से, एक दफ़ा हमारे कंट्री के हेड ने भी एक सवाल किया था कि इस चीज़ का, तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि जी मैं दीन टीम में लेके आया हूँ, तो मैंने कहा कि जी हमारा दीन ये कहता है कि जी दीन में कोई सख्ती नहीं है। किसी को मैं सख्ती से ये भी नहीं कह सकता कि जी आप नमाज पढ़ो या किसी को अमल करो इस चीज़ का। तो अगर मुझे दीन समझते हैं कि जी मैं दीन लेके आया तो दीन में सख्ती नहीं है, तो मैंने किसी प्लेयर पर सख्ती नहीं की। आप क्रिकेट के बाद दीन की तरफ बढ़ गए, उसमें आपको बहुत सुकून मिलता है? जी बिल्कुल, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो अल्लाह के हुक्म है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ, तो ये मुझे ना थोड़ा सा सुकून बिल्कुल मिलता है और मैं इसको बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो दीन के अलावा भी आप और किसी भी चीज़ में बिजी रहते हैं या? जी मैं अपना काम करता हूँ, मेरा ऑफिस वगैरह है, मैं सुबह उठ के ऑफिस जाता हूँ अपने, तो ऑफिस में मैं अपना काम शाम करता हूँ, और ठीक है कि जो नमाजों का मेरा टाइम है या दूसरा वो मैं अपना करता हूँ, लेकिन ये है कि सुबह 10-11 बजे मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, 5-6 बजे तक अपने ऑफिस में बैठता हूँ, तो अपना काम करता हूँ इस चीज़ का, और उसके बाद ये है कि जी जो भी एक्टिविटी है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, आपकी बहुत मेहरबानी। तो ये थे पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर इंजमामुल हक साहब आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।